आज मैं लेके आया हूँ लोराइज फ्लोर, और इन लोराइज फ्लोर के साथ आपको जो है ऑपरेशनल क्लब हाउस भी मिलता है, प्लस आपको 3 एकड़ का लश ग्रीन पार्क मिल रहा है 3 एकड़ का विद वाटर बॉडीज़। जी हम काफ़ी लोराइज ऑप्शंस की बात करते हैं जो मैं अपने चैनल पे डालता हूँ, बट उन लोराइज ऑप्शन में से कुछ ही ऐसे ऑप्शन है जिसमें आपको जो है इतना बड़ा पार्क और प्लस जो है आपको ऑपरेशनल क्लब हाउस मिल जाता है। सो ये जो लोराइज फ्लोर आ रहे हैं वो आ रहे हैं BPTP एस्टेरिया गार्डन, जो कि है सेक्टर 70A। लोकेशन की बात करूं तो आपका मेन SPR रोड से लेस देन 5 मिनट का आपका डिस्टेंस आ जाता है, और इन लोराइज फ्लोर के अंदर जो है BPTP की ग्रीन ओक प्लॉटिंग है, जहां पे CS रियलिटी डेवलपर जो है वो यहाँ पे लोराइज फ्लोर लेके आ रहा है। कुछ प्लॉटिंग इन्होंने ली और वहाँ पे जो है ये डेवलपमेंट करेगा। और ये जो BPTP एस्टेरिया गार्डन की अगर हम बात करें तो इसमें BPTP के लोराइज फ्लोर भी हैं, अदर बिल्डर का आपको हाई राइज भी है, इसमें कमर्शियल भी हैं, BPTP का ऑपरेशनल क्लब हाउस भी, और ऑलरेडी हैबिटेट सोसाइटी है, फैमिलीज आर लिविंग देयर, और मेन SPR रोड से अगर आप बात करोगे तो लेस देन 5 मिनट के डिस्टेंस पे आ जाती है। और इसके बाहर भी अगर आप देखोगे तो रीच का, तपस्या का, ऐलान का, तुलिप का कमर्शियल भी आपके ऑपरेशनल हो जाते हैं। सो आज हम इसी लोराइज फ्लोर की बात करेंगे। प्रोजेक्ट का नेम जो है वो है फ्लेमिंगो 70A, और बिल्डर इसमें आ जाता है CS रियलिटी। जी हाँ, अगर मैं CS रियलिटी की बात करूँ तो सेक्टर 56 में इनकी कुछ डेवलपमेंट है, अंसल असंशिया, प्लस जो है अभी रिसेंटली इन्होंने जो है अपना सोल्ड आउट किया है अनंतराज एस्टेट सेक्टर 63 के अंदर, जो है इन्होंने 8 प्लॉट पे डेवलपमेंट करके और वो भी पूरा इन्होंने सोल्ड आउट किया है। वहाँ जाके आप इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को भी चेक कर सकते हो कि उसका भी पोजीशन कहीं ना कहीं आने वाला है। सो चलिए पहले मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाता हूँ, लोकेशन दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर डिस्कस करें। ये देखिए, मैं तुलिप चौक से नेक्स्ट चौक पे हूँ। सीधा यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पे आपका मेन SPR रोड आ जाता है, जहाँ टाटा प्रेमांती है, सिग्नेचर ग्लोबल का न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, क्लोवर लीफ भी आपका आ जाता है, और MX का ऑपरेशनल कैंपस भी आपका होने वाला है, वो भी आ जाता है। इधर आपका सीधा ये परीना मिकासा प्रोजेक्ट है जिसकी OC आ चुकी है, और 60 मीटर रोड है आपकी, और ये इधर रोड सीधा चला जाता है एस्टेरिया गार्डन। लेफ्ट साइड से आपका ये एस्टेरिया गार्डन स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है। तो चलिए हम कनेक्टिविटी अपनी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम यहीं से अपनी कनेक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ये लेफ़्ट साइड जो आप ब्रांडिंग से आपको पता चल पा रहा होगा, एस्टेरिया गार्डन की टाउनशिप BPTP की स्टार्ट हो जाती है। 100+ एकड़ की टाउनशिप है जिसमें आपका लो राइज है, हाई राइज है, कमर्शियल है, स्कूल है, ऑपरेशनल चीज़ें मिल जाती हैं। BPTP का क्लब हाउस भी आपको ऑपरेशनल हो चुका है, और आगे मैं आपको और भी बिल्डर के प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। सामने जो आप ये हाई राइज देख रहे हो जो फ्रंट में आ रहा है, ये आपका पिरामिड का है। बैक साइड में AIPL का जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, और उसके साथ में ही पारस इग्निस प्रोजेक्ट है। पारस का ऑपरेशनल चीज़ें यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बाद में आएगा, सारी ऑपरेशनल जो है आपका रेजिडेंस आर लिविंग देयर। और ये कंप्लीट जो लेफ़्ट साइड टाउनशिप चल रही है, ये आपकी BPTP की है। लेफ़्ट साइड जो वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये M3MS काला है। BPTP ने कुछ अपनी लैंड पिरामिड को दी थी, कुछ M3M को दी थी, और उन्होंने यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट भी की है। पिरामिड का कमर्शियल भी आने वाला है यहाँ पे, उनकी प्लॉटिंग भी है। और लेफ़्ट साइड ये अगेन जो आप देख रहे हो वो आपका कमर्शियल है, और उधर आप सामने जो देख पा रहे हो हाई राइज पारस इग्निस, और उसके लेफ़्ट साइड ये AIPL का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। और अब अभी जो है मेन गेट से हम एंट्री करेंगे प्रोजेक्ट में, और उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे जिस प्लॉटिंग पे जो है ये जो ये लो राइज फ्लोर आ रहे हैं। सो यहीं से हम लेफ़्ट लेंगे, और यहीं से आगे जो है मैं आपको इनका मेन एंट्री गेट दिखाता हूँ। ऑल दो 2-3 गेट और भी हैं, बट मेन इनका एंट्री गेट यही है, और यहीं से फिर जो है हम आगे मैं आपको लेके चलता हूँ साइड पे। सो ये हम एंटर कर चुके हैं BPTP एस्टेरिया गार्डन के अंदर। मैं थोड़ा आपको अंदर सोसाइटी का भी व्यू करवा देता हूँ। लेफ़्ट साइड जो है आप देख पा रहे हो, ये पिरामिड का कमर्शियल है, और उसके साथ पिरामिड की प्लॉटिंग भी है। और सामने जैसा कि मैंने आपको इनिशियल बताया था, ये आपका M3M एस्काला प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। लेफ़्ट साइड विला स्टार्ट हो जाते हैं BPTP के, ये विलाज हैं लेफ़्ट साइड। राइट साइड
AIPL का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव है, साथ में पारस इग्निस प्रोजेक्ट है वो भी रेडी टू मूव है। ये अगेन हम आ गए हैं MTMS काला की बिल्डिंग के पास सामने, और उसके साथ में जो है ऑपरेशनल स्कूल है, सेंट एंजल ऑपरेशनल स्कूल है। यहाँ जितनी भी चीज़ें आपको ऑपरेशनल मिलेंगी, और सीधा बिल्कुल टी पॉइंट पे आपको ऑपरेशनल कमर्शियल भी मिलेगा, और राइट साइड पे जो हमारी साइट आ जाती है, और मैं वहीं पे आपको एंट्री गेट दिखाता हूँ, प्लस जो है आपको क्लब हाउस भी दिखाता हूँ। सो ये देखिए, हम इस तरफ से आए थे और पीछे जो है BPTP के विलाज हैं, फ्लोर्स हैं BPTP के, और एक तो ग्रीन ऑक की जो प्लॉटिंग है, एक इसका गेट ये है और एक इसका गेट उस तरफ है, तो ये दो गेट है ग्रीन ओके। और इधर सामने ये जो है BPTP का ऑपरेशनल क्लब हाउस है जिसकी मैं बात कर रहा था, और इधर सीधा टी पॉइंट पे आपका आगे कमर्शियल भी आ जाता है। ये इधर सामने विलाज हैं BPTP के, और इधर हमारा जो है साइट आ जाती है ग्रीन ओक की, जहाँ पे CS रियल्टी जो है अपने फ्लोर लेके आ रही है। ये सामने आप जो ग्रीन ओक देख रहे हो, सो ये थी इसकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। सो ये जो है BPTP की जो 100+ एकड़ की टाउनशिप है एस्टेरिया गार्डन, उसके अंदर ग्रीन ओक करके जो प्लॉटिंग है उसमें बिल्डर ने जो है कुछ प्लॉट लिए हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट जो कर रहा है। प्लॉट इन्होंने 20+ प्लॉट लिए हैं, बट अब इन्होंने 10 प्लॉट ही ओपन किए हैं, और इसके अंदर जो आपका साइज आ जाता है वो आ जाता है 180 स्क्वायर यार्ड, 180 गज का प्लॉट है। और आपकी जो इसमें स्टिल्ट जो है, स्टिल्ट पे आपकी डेडिकेटेड पार्किंग रहेगी। बेसमेंट में जो है 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर को जो है बेसमेंट का पार्ट मिलेगा, और जो आपका टेरेस रहेगा वो आपका सेकंड और थर्ड फ्लोर में हाफ हाफ डिवाइड होगा। सो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, बेसमेंट जो है 3 पार्ट रहेंगे, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलेंगे, और जो आपका टेरेस है उसके 2 पार्ट रहेंगे, वो सेकंड और थर्ड फ्लोर को मिलेगा। स्टिल्ट पे आपकी जो है डेडिकेटेड पार्किंग रहने वाली है। सो इस हिसाब से ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, 180 स्क्वायर यार्ड का आपका प्लॉट है। और अदर अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, तो इसमें आपको फुली मॉड्यूलर किचन आपको मिल रहा है, वार्डरोब आपको मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको इनिशियल स्टेज पे भी बताया था कि इसके अंदर जो है आपको ऑपरेशनल क्लब हाउस मिल रहा है, 3 एकड़ का आपको लश ग्रीन पार्क मिल रहा है विद वाटर बॉडीज़। और इसके अलावा अगर आप देखो 24/7 CCTV सर्वेलेंस है, और फैमिलीज रह रही हैं, ऑलरेडी ऑपरेशनल कमर्शियल उसके अंदर है, ऑलरेडी ऑपरेशनल उसके अंदर आपका स्कूल है सेंट एंजल स्कूल करके, जो मैंने वो कनेक्टिविटी में दिखाया है। साथ में आपकी AIPL का हाई राइज भी है, अंदर आपका MTMS काला है, फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। और जैसे ही आप बाहर निकलते हो SPR रोड, मेन SPR रोड के आने से पहले ही आपको ऑपरेशनल आपको जो है कमर्शियल मिल जाते हैं। और उसके अलावा SPR रोड पे जाने के बाद आपको SPR रोड से जैसे वाटिका चौक जाते हो, आपके DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, तो जितने भी गुड़गांव के जो आपको फेमस स्कूल हैं हॉस्पिटल हैं सब आपको आसपास विन सिटी में आपको मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो है पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान जो है इनका 40-60 है। अभी ये बिल्डर जो है आपका 5 लाख से आपका नॉन बैंकेबल EOI है आपकी, एंड यू हैव टू कंप्लीट 40% विद इन 30 डेज। उसके बाद 60% आपका जो होगा व्हेन यू विल गेट दी पोजीशन। तो काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान है 40-60 का। और अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट प्राइजिंग की। प्राइजिंग जो आज की डेट में इसकी BSP है वो है 2.25 CR, और इसके अलावा अगर आप बेसमेंट ऐड हो जाती है तो 15 लाख आपके बेसमेंट के ऐड हो जाते हैं, और अगर आप टेरेस ऐड करते हो तो 15 लाख टेरेस के ऐड हो जाते हैं। सो 2.40 CR के अप्रॉक्स इसकी जो है कॉस्टिंग है। और इसमें जो है इनिशियल अभी इनॉग्रल ऑफर चल रहे हैं, 10 लाख का डिस्काउंट इसमें आपको मिल जाता है इनिशियल 10 कस्टमर के लिए, और इसके अलावा और भी डिस्काउंट इसके अंदर अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर मैं लोकेशन देखूं तो काफ़ी अच्छी सुपीरियर लोकेशन आपकी आ जाती है, 60 मीटर रोड से अप्रोच है, और जिस सोसाइटी के अंदर ये बिल्डर फ्लोर आ रहे हैं, नॉर्मली आपने बिल्डर फ्लोर देखा होगा ओपन आते हैं और कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, बट यहाँ पे आपकी पूरी सिक्योरिटी है, और ऑलरेडी हैबिटेट सोसाइटी के अंदर आ रहा है। ऑपरेशनल क्लब हाउस जो एक डिमांड रहती है क्लाइंट की, वो आपको मिल रहा है। 3 एकड़ का आपको पार्क मिल रहा है, बिल्कुल ग्रीनरी। वो जब आप जाओगे तभी आप, जब आप विजिट के लिए आते हो तो हम आपको दिखाते हैं कि पार्क और ये जो आपका क्लब हाउस, तो उससे आपको पता लगेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल USP है प्रोजेक्ट की, और बिल्डर ने ऑलरेडी अनंतराज एस्टेट में बनाई डेवलपमेंट की है, वहाँ जाके आप इनकी क्वालिटी चेक कर सकते हो। सो ये था ओवरऑल CS रियल्टी के बिल्डर फ्लोर के बारे में, जो कि आ रहे हैं BPTP एस्टेरिया गार्डन के अंदर। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर फ्लैश कर रहा है, आप मेरे से मेरी टीम से बात कर सकते हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।